क्लास थर्ड, आज हम हिंदी रीडर में पाठ 22 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सच्चे मित्र। सच्चे मित्र जिसके पात्र का नाम है श्री कृष्ण, सुदामा और द्वारपाल, इनके बारे में तो आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द्वारपाल, द्वारपाल कौन होता है? जो द्वारका पहरा देता है। तो महाराज की द्वारपाल आता है और क्या कहता है कि महाराज की जय हो। द्वार पर कोई एक आदमी खड़ा है जो आपके दर्शन करना चाहता है, मतलब कि वह किसे कहता है? द्वारपाल श्री कृष्ण के पास आता है और कहता है कि द्वार पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वह आपके दर्शन करना चाहता है। तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि वह कौन है? तो द्वारपाल कहता है कि महाराज उसका शरीर दुबला पतला है, उसके फटे पुराने वस्त्र हैं, ना तो उसके सिर पे पगड़ी है और ना ही उसके पैरों में जूते हैं। तो इस प्रकार द्वारपाल उस व्यक्ति का परिचय देते हुए श्री कृष्ण जी को बताता है कि वह जो व्यक्ति है वह दुबला पतला है, फटे पुराने वस्त्र है, ना तो पैरों में उसके जूते हैं, ना ही उसके सिर पर पगड़ी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्वारपाल उसका नाम बताइए। तो द्वारपाल उसका नाम पूछते हैं। तो द्वारपाल कहते हैं कि जी हाँ महाराज, उसका नाम सुदामा है, वह एक सुदामा नाम का ब्राह्मण है। अपने आप को क्या बताता है वह कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम सुदामा है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही वह नाम सुनते हैं क्या कहते हैं, अरे सुदामा। तो श्री कृष्ण जी तुरंत अपने सिंहासन से उतर कर द्वार की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वह यह भी नहीं देखते हैं कि मैं जिस सिंहासन बैठा हूँ मैं यहाँ का राजा हूँ, या फिर यहाँ के जो मंत्री हैं, जो आसपास जो भी बैठे हैं वह सब क्या सोचेंगे। वो वे किसी की कोई परवाह नहीं करते हैं और तुरंत जैसे ही वह सुदामा का नाम सुनते हैं तुरंत द्वार की ओर दौड़ने लगते हैं। श्री कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि सुदामा तुम इतने दिन कहाँ थे? क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी सुदामा से कि हे सुदामा तुम इतने दिन से कहाँ थे? तो सुदामा जी कहते हैं कि अरे मित्र मुझसे थोड़े दूर रहो। ऐसा क्यों कहा सुदामा जी ने कि अरे मित्र मुझसे दूर रहो, तुम्हारे वस्त्र मेले हो जाएंगे, मतलब कि मेरे तो फटे पुराने वस्त्र हैं और न तो मेरे सिर पर पगड़ी है न पैरों में जूते हैं, तो तुम मुझसे दूर रहो। तो श्री कृष्ण कहते हैं तो क्या हुआ, क्या कहते हैं तो क्या हुआ, तुमसे गले मिलकर मेरे मन को बहुत ही शांति मिलती है, मतलब कि उनका हाथ पकड़कर, सुदामा जी का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण अंदर की ओर जाते हैं, अपने सिंहासन पर उनको बैठाते, मतलब कि सिंहासन पर उन्हें बिठा देते हैं। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं सुदामा तुम इस सिंहासन पर बैठो। तो सुदामा जी क्या कहते हैं, हे श्री कृष्ण ये सुदामा ये सिंहासन तो आपका है, भला मैं कैसे इस सिंहासन पर बैठ सकता हूँ, मैं तो ऐसा विचार भी नहीं कर सकता हूँ। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ पर बैठो, और इतने वर्ष तो कहाँ थे, जब एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है तो आपस में चर्चा भी करते हैं। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी सुदामा जी से कहते हैं कि मित्र तुम इतने वर्ष कहाँ थे। तो सुदामा जी श्री कृष्ण के मुखमंडल को देखते रहते हैं और उनके श्री कृष्ण जी एक थाल मंगवाते, एक थाल में कहते हैं कि मित्र सुदामा तुम अपने चरण इस थाल में रखो, पराग में रखो, मतलब कि थाल में रखो, इस थाल में रखो। फिर वह उनके चरणों को धोते हैं। धोते धोते श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, अरे ये तो तुम्हारे पैरों में कांटे चुभे हुए हैं और बीमारियों से रक्त बह रहा है, तो लगता है मित्र कई दिनों से तुम पैदल चलकर आए हो। तो सुदामा जी क्या कहते हैं, अरे मित्र यह तो मेरा प्रतिदिन का काम है, मुझे तो आदत सी पड़ चुकी है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी सुदामा जी के पैर धोने लगते हैं। तुम मेरे मित्र हो, इतने कष्ट में देखकर मैं दुखी क्यों ना हो, मतलब कि श्री कृष्ण जी जब सुदामा जी के पैर धोते हैं तो उनके अश्रु, मतलब कि उनके आंसू निकल पड़ते हैं, वह बहने लगते हैं।
तो सुदामा जी कह रहे हैं कि अरे मित्र तुम इतने दुखी क्यों रहे, क्यों हो रहे हो? तो श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहते हुए देखकर सुदामा जी ऐसा कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं तुम धन्य हो मित्र, राजा होकर भी निर्धन को तुम इतना मान सम्मान दे रहे हो, मतलब कि तुम्हारे मन में तनिक भी, मतलब कि थोड़ा भी अहंकार नहीं है। तुम इतने बड़े राजा होकर भी मुझ निर्धन का इतना मान सम्मान कर रहे हो, तो क्या कहते हैं कि मेरा जीवन तो धन्य हो गया। फिर श्री कृष्ण सुदामा के आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा धन कौन सा होता है? सबसे बड़ा धन होता है मित्रता। तुम अपने आप को निर्धन क्यों मानते हो? तो श्री कृष्ण जी किससे कहते हैं? सुदामा जी की, तुम अपने आप को निर्धन कभी मत मानो। अच्छा बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? मतलब श्री कृष्ण जी फिर सुदामा जी से कहते हैं कि तुम इतनी दूर से चलकर आए हो, तो भाभी ने अवश्य मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भेजा ही होगा। तो सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि ये चावल की पोटली, ये तो इतने बड़े राजा हैं, है ना, तो इतने बड़े राजा होकर जो कि 56 लोग खाते हैं, इन्हें ये मेरे चावल नहीं, नहीं ऐसा उनके विचार में, इस प्रकार से मन में विचार बनता है और वह पोटली छुपाने लग जाते हैं। तो पोटली को दबाते हुए श्री कृष्ण ने देख लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, अच्छा बताओ तुमने बगल में क्या छुपा रखा है? ऐसा श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे लिए कुछ ना भेजा हो, तो ये बताओ तुमने अपने बगल में क्या छुपाया है? तो सुदामा जी थोड़े से मतलब विचार करते हैं कि अरे मैं मतलब यह पोटली कैसे दे दूं, तो वहाँ यह तो मतलब कहते कहते रुक जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं लाओ हमें दो, तो पोटली को घुसते हुए वह उनसे पोटली ले लेते हैं। तो भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ अवश्य भेजा मित्र, मैं तो डर रहा था श्री कृष्ण जी उसमें से चावल निकालते हैं और खा लेते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं अरे मित्र मैं तो डर रहा था कि तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगे, मतलब कि मेरी इस अवस्था को देखकर जब अन्य कोई व्यक्ति नहीं पहचान पा रहा है तो तुम मुझे क्या पहचान पाओगे? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं याद है गुरु जी ने हमें पढ़ाते हुए क्या कहा था, क्या कहते हैं कि जब हमारे गुरु जी हमें शिक्षा दे रहे थे, हमें ज्ञान दे रहे थे, तो वे हमें पढ़ाते हुए क्या कह रहे थे कि सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय हमारा साथ दे। तो सुदामा जी कहते हैं याद है श्री कृष्ण, और आज मैंने देख भी लिया, मतलब कि गुरु ने जरूर हमें ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया है। और फिर दोनों हंसते हुए भोजन करते, सेवक उनके लिए भोजन लेकर आते हैं, दो थाल लेकर आते हैं और भोजन करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छा अब बातें बनाना छोड़ो, कुछ भोजन करने लगते हैं। लगता है श्री कृष्ण उन्हें बैठा कर अपने हाथों से भोजन कराते हैं, मतलब कि जब वह भोजन करते हैं दोनों की दो थाल लगती है, सेवक अच्छे अच्छे भोजन लाता है, अच्छे प्रकार के पकवान बना के लाता है, साथ में भोजन करते हैं, तो वह अपने हाथों श्री कृष्ण अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन कराते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं मित्र तुम थके हो, अब कुछ देर विश्राम कर लो, विश्राम के बाद तुमसे बहुत सारी बातें करें। क्या कहते हैं कि मित्र अब भोजन भी हो चुका है, तुम इतनी दूर से चल के आए हो, तुम थक चुके हो, अब तुम विश्राम कर लो। तो ये कहानी हमारे यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसा कि गुरु ने श्री कृष्ण जी ने कहा था कि हमारे गुरु ने हमें क्या शिक्षा दी है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट की घड़ी में हमारा साथ दे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वह होता है जो हमें हमारे संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में हमारा साथ दे। थैंक यू।